हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल एक्सप्लोर विद हंग्री नोमैड्स। और आज हम जा रहे हैं इंडियन ग्रोसरी स्टोर, क्योंकि हमारी ग्रोसरी ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुकी है, थोड़ा कुछ हमें सामान लेना है। तो चलिए चलते हैं और वहाँ पे दिखाते हैं कि आज हम लोग क्या क्या लेने वाले हैं। सो गाइज, मैंने शॉपिंग के लिए कोई लिस्ट नहीं बना रखी है, हमें वहाँ पे जो भी समझ में आएगा हम उठा लेंगे, क्योंकि मेरे पास इतना टाइम नहीं था इस वीक, मैं काफ़ी बिजी थी। मैं आलसी नहीं हूँ, मैं इस वीक काफी बिजी थी, ठीक है। तो ये वाला जो इंडियन स्टोर है, हम यहीं पे आना जनरली प्रिफर करते हैं, क्योंकि हमने बाकी इंडियन स्टोर से भी कई बार शॉपिंग करी है, बट हमें रेट्स के कंपैरिजन में अगर देखा जाए, रेट वाइज और क्वालिटी वाइज, तो यहाँ पे काफी अच्छा सामान मिलता है। सो गाइज, ये है वो इंडियन स्टोर जहाँ की मैं बात कर रही थी, इसका नाम है ग्रोसरीज, और यहाँ पे ऑलमोस्ट सारा इंडियन सामान मिल जाता है, तो काफ़ी सही है ये। अभी मैं दिखाती हूँ अंदर आपको। तो आप देख सकते हो यहाँ पे काफ़ी सारे चिप्स के वैरायटीज़ हैं जो कि इंडिया में भी मिलते हैं, और मुझे नूडल्स का पैकेट भी लेना है, बट वन, और इसका कॉस्ट है 2.9। और ये है हमारी फेवरेट मैगी। तो यहाँ पे फ्रिज है, यहाँ पे दही और पनीर ये सब मिलता है। इडली डोसा बैटर ले ले क्या? हाँ, तो हम ले रहे हैं 1 kg इडली डोसा मिक्स, और इसका प्राइस है $650। तो ये हल्दीराम की कोकोनट चटनी है, ये टेट्रा पैक्स होते हैं इसमें 5 to 6, और वो काफ़ी सही रहते हैं। इसमें और भी कई सारी चटनियाँ आप देख सकते हो। कोकोनट वाली है, दूसरी कोकोनट वाली तो है, घर पे रखी है, तुम कोई और तुम्हें लेनी हो तो ले सकते हो। फलाफल ना, और यहाँ पे दही बड़े पैक्ड, और उसके बाद सीख कबाब्स, लैम कबाब्स, ये सब मतलब फ्रोजन। रजनीश को सीख कबाब्स बहुत पसंद है, बट हमने ये वाले कभी ट्राई नहीं करे हैं, देखने में तो सही लग रहा है, क्या बोलते हो, ट्राई करा जाए? पता नहीं, छोड़ो रहना, दोबारा ही खा लेंगे जाके। ये दाल मखनी और येलो दाल तड़का, भिंडी मसाला, ये सब कॉम्बो पैक्स हैं इनके। शामी कबाब, मतलब आपको यहाँ सब कुछ मिलेगा फ्रोज़न में, और इनके प्राइस अराउंड $5, $6.50। और अगर आप इस साइड देखें तो यहाँ पे काफ़ी सारी नमकीन हैं, तो इसमें से मैं जो हम खाते हैं मैं वो लेती हूँ। एक मिनट, एक ये बेसन भुजिया, ये मेरी फेवरेट है, फिर नमकीन चाहिए, मैंने अपने लिए ये ली है। कौन सी? मैं बहुत तेज खाता हूँ, मुझे कुछ ऐसा चाहिए जो मैं इससे भी तेज खाऊं। ढूंढो क्या चाहिए तुमको। और यहाँ पे हिमालय के भी थोड़े बहुत प्रोडक्ट्स मिलते हैं, तो जो बेसिक विदाउट प्रिस्क्रिप्शन की दवाइयाँ होती हैं वो आपको यहाँ पे मिल सकती हैं। जैसे कि गैस, अगर आपको गैस ज़्यादा बनती है तो आप उसको ले सकते हैं। और ये देखिए यहाँ पे ढोकला, सांबर और हांडवा, खमन, काफ़ी कुछ है, पाव भाजी, बैंगन भरता, ये चाहिए क्या तुमको? यहाँ पे नाइसिल भी मिलता है, अगर आपको दांत खाज खुजली है तो आप इसको यूज कर सकते हो गर्मी में। मतलब इंडिया का सारा प्रोडक्ट मिलता है, बस थोड़ा सा महंगा होता है, बट मिलता है सब। फास्ट रिलीफ ले लो, खत्म हो गया। वॉलिनी ले लो अगर हो तो, मूव भी है, वॉलिनी भी है, कौन सा चाहिए? सिपा के फैन हो, और ये एक नहीं कई फ्लेवर में आते हैं, तो ये है, ये नॉर्मल है आपका रेगुलर, ये अनार दाना, प्राइस क्या है इनका? और ये आपका पुदीना है। तुम क्या उसका ऐड कर रहे हो? 240, ओके। तो यहाँ पे काफ़ी सारे समोसे हैं, एंड कॉकटेल समोसा, पोटैटो पीस समोसा, हल्दीराम के काफ़ी सारे फ्रोजन प्रोडक्ट्स आते हैं, काफ़ी सही रहते हैं, मैंने बहुत सारे ट्राई करे हैं, मुझे तो मज़ा आ जाती है खाने। मेहंदी वहंदी लगाते हैं उनके लिए, मेहंदी वहंदी का भी इंतज़ाम है, पूरा प्रॉपर सेटअप है भाई। तो मैं इन्हीं के बारे में बता रही थी, रेडी टू ईट के बारे में। और ये देखिए इनके यहाँ पे प्राइस काफ़ी सही है, $3 का है, मैंने एक दो जगह से और लिया है जो कि मुझे $4 का पड़ता है, तो हम जनरली ये वाला लेते हैं, दाल मखनी काफ़ी टेस्टी होता है, तो मैं 2 पैकेट ले रही हूँ। और ये हमारा फेवरेट सेक्शन है, ये हमारा फेवरेट है, और मैं 2 पाव भाजी भी ले रही हूँ, ये भी काफ़ी अच्छा होता है। यहाँ पे इंडियन काफ़ी बर्तन भी मिलते हैं, कढ़ाई वगैरह, तो अगर आप ऑस्ट्रेलिया आ रहे हो एज अ स्टूडेंट
तो आपको कुकर लाने की ज़रूरत नहीं है, कोई भी बर्तन लाने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे सब मिलता है। और ये देखिए ठंडाई वगैरह, ये थम्स अप के कैंस भी हैं यहाँ पे। ये कैंस जनरली आपको हर जगह नहीं मिलेंगे, बट ये भी हम लेते हैं। ये $2 का एक कैन है, 1.99, मतलब 100 रुपीज़ का वन कैन। बच्चों की फ्रूटी, यहाँ पे काफ़ी सारी चटनियाँ और सॉसेस और पानी पूरी मसाला और जिंजर गार्लिक पेस्ट, और ये भी जिंजर गार्लिक पेस्ट। बचपन में पीते थे हम, हाँ, लेकिन मुझे कभी पसंद नहीं आया रूह अफ़ज़ा। तो ये वही पराठे हैं जिनकी मैं बात कर रही थी। तो यहाँ पे पनीर आलू कुलचा और मूली पराठे और आलू गोभी पराठे, ये ले लेते हैं आलू गोभी पराठे। एक मेथी के पराठे, मेथी पराठा, मेथी पराठा। और हम लेंगे नान, गार्लिक नान, तंदूरी भी ले सकती है, तंदूरी भी सही लगती है। तो हम एक गार्लिक नान ले रहे हैं और एक तंदूरी नान ले रहे हैं। वैसे मैंने अनियन पराठा भी लिया है, प्याज पराठा सही लगता है यार, लेकिन घर पे बन जाता है आसानी से, तो क्या ज़रूरत है प्याज का पराठा लेने की। बस ये आलू पूरी और ये नान का बड़ा पैक है, अगर मतलब आप बड़ी फैमिली में रहते हो, हमारे लिए तो उतना काफ़ी पड़ जाता है दो लोगों के लिए। बेसन, फिर यहाँ पर भी थोड़े पराठे वगैरह रखे हुए हैं, और ये रेड राइस फ्लावर, साबूदाना, वाह साबूदाना ले लेते हैं। सो ये है प्लेन पराठा, और दो ले लेते हैं। ये प्राइसेस हैं, स्पेशल पे चल रहा है 399 का, ऐसा अराउंड 4। और ये देखिए ये फ्रोज़न वेजिटेबल्स हैं, और एक इसमें आता है सांभर मिक्स करके, वो काफ़ी सही होता है सांभर बनाने के लिए। अलग अलग सब्जियों को लेने से अच्छा है कि आप सांभर मिक्स ले लो और एक साथ पड़ जाता है, बन जाता है। मिक्स्ड वेज आती है यहाँ पे, ड्रमस्टिक्स मिलते हैं फ्रोज़न में, प्याज भी कटे हुए मिलते हैं, देख लो भाई मिर्च, ये तो लाइफ सेवर है। भिंडी, भिंडी लेनी है, यहाँ पे अमूल का घी भी मिलता है। और मैं दिखाती हूँ, ये आपका 1 लीटर का जो घी है वो $14 का है, वही घी का जो कॉस्ट है वो अराउंड इंडिया जैसा ही है, कोई बहुत महंगा नहीं है। इंडिया से काफ़ी तरीके का चावल जो है यहाँ पे इंपोर्ट होता है, मैं ये वाला लेकर जाती हूँ, ये बहुत मस्त बनता है, जीरा कालसा राइस है इसका नाम। और एक ये भी बहुत टेस्टी चावल होता है, सोना मंसूरी, तो जो लोग यूपी में रहते हैं उनको पता होगा सोना मंसूरी का नाम, काफ़ी मस्त लगता है खाने में। ये $14, $15, $13 इसी रेट में आपको जनरली, मतलब मैक्सिमम $17-18 ऐसे इसी रेट में राइस मिलता है। और ये दाल का सेक्शन है, सारी दाल मिलती है यहाँ पे। तो मैंने कुछ दाल भी ली है, एक ये चना लिया है, एक तूर दाल, अरहर की दाल ख़त्म थी, और छोले लिए हैं, छोले भी नहीं थे हमारे यहाँ। ये इंडिया के फेवरेट गुड्डे बिस्किट्स, यहाँ पे बिस्किट्स हैं काफ़ी सारे, बेकरी बिस्किट्स भी हैं यहाँ पे, यहाँ पतंग भी हैं अगर आपको पतंग उड़ाने का शौक है तो आप वो भी ले सकते हो। और ये देखिए पानी पूरी, ये देखिए $7 का है पूरा पैकेट, उसमें 50 पानी पूरी है। जिनको टॉफ़ी वगैरह, ये टॉफ़ी तो यार ये तो हम बचपन में बहुत खाते थे, बहुत सही लगती थी। और काफ़ी सारी टॉफियाँ हैं यहाँ पे, उठा पाओगे कैसे, तुमने बोरा भर के इंडियन ग्रॉसरी बटोरी है। हाँ तो गाइस हमारी शॉपिंग हो गई है, और ये हमें अराउंड $80 का पड़ा है सारा सामान। बताओ यहाँ पे 8:30 बज चुका है और रात का कोई नामो निशान नहीं है, देखो कितना मस्त मौसम हो रखा है। तो गाइस हमारी शॉपिंग हो चुकी है और अब हम घर जा रहे हैं। तुम उठाओ गाइस, शॉपिंग इतनी ज्यादा हो गई है।